गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज 7.2 गिवन ऑन अ पेज नंबर 96 इन विच वी विल डू द रिमाइंडर इन डिवीजन। सबसे पहले बेटे आपको जानना जरूरी है कि रिमाइंडर क्या चीज़ है। बेटा जब हम डिवीजन करते हैं तो कुछ नंबर्स हमारे लास्ट में बच जाते हैं, तो उन नंबर को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। लुक एट द डेफिनेशन बेटा, व्हेन द डिविडेंड इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द डिवाइजर द लेफ्ट ओवर नंबर इज कॉल्ड द रिमाइंडर। जब भी हम डिविडेंड को बेटा डिवाइड करते हैं, अगर लास्ट में जीरो आ जाता है, इट मीन्स वो डिविडेंड एग्जैक्टली डिवाइड हो गया डिवाइजर से। लेकिन लास्ट में अगर आपके पास जीरो नहीं बचता, कोई नंबर रह जाता है, इट मीन्स कि जो हमारा डिविडेंड था, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे थे, वो एग्जैक्टली हम उसको डिवाइड नहीं कर पाए डिवाइजर से। सो, जो लेफ्ट ओवर नंबर बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। इज इट क्लियर? लाइक बेटा इफ वी हैव अ सेवन पेंसिल, अगर हमारे पास बेटा सेवन पेंसिल्स हैं और हम सेवन पेंसिल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं, राइट? मान लीजिए हम टू ग्रुप्स बना देते हैं, वन ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। इज इट क्लियर? इसमें हम पेंसिल डालते हैं, ओके, वन पेंसिल हम ये डालते हैं, वन इसमें डालते हैं, टू पेंसिल्स, नाउ थ्री पेंसिल, नाउ फाइव एंड दिस वन इज सिक्स, और हमारे पास टोटल कितनी है बेटा, सेवन। अगर हम इसमें फोर डाल देते हैं, फिर हमारे पास इसमें डालने के लिए पेंसिल्स नहीं बचती। तो व्हाट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेवन पेंसिल्स, कि वी विल पुट द थ्री पेंसिल इन ईच ग्रुप एंड हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट ओवर। हमारे पास सेवन पेंसिल्स में से हमने सिक्स पेंसिल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बेटा, हमारे पास कितनी पेंसिल बच गई है, वन। सो व्हाट इज दिस पेंसिल इज कॉल्ड, दिस पेंसिल इज कॉल्ड द रिमाइंडर। जो हमारे पास लास्ट में वन पेंसिल बच जाएगी बेटा, इस पेंसिल को हम रिमाइंडर कहेंगे। लाइक दिस, अगर हम इसे सम की तरह करके देखें तो वी हैव सेवन इज हेयर एंड हाउ मेनी ग्रुप्स इन विच वी विल डिवाइड इट इन टू ग्रुप्स, राइट? सो वी विल चेक, क्या सेवन टू के टेबल में आते हैं? नहीं आता बेटा, लेकिन हमने वो नंबर लेना है जो टू के टेबल में आता है और सेवन से लेस है। वो क्या होगा बेटा, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स। यस, टू थ्री ज़ा बेटा क्या होता है, सिक्स, और टू फोर ज़ा क्या होता है बेटा, एट। सो हमें कौन सा नंबर लेना है जो सेवन से कम है, और सेवन से कम कौन सा नंबर है बेटा, सिक्स है। ओके, सो वी गो विथ सिक्स। तो सिक्स कहाँ पे आता है बेटा, टू के टेबल में, एट द पोजिशन ऑफ थ्री। सो वी राइट टू थ्री ज़ा सिक्स। When we subtract it, जब हम इसको subtract करेंगे बेटा, what is left over? 7 minus 6 is 1. Okay, हमारे पास 0 नहीं आया, हमारे पास answer नीचे remainder क्या आया है, 1 आया है। So this 1 is called the remainder, बचा हुआ। Is it clear? तो हमारे पास ये जो 1 pencil थी, ये क्या थी बेटा, बच गई थी। सो जो बचा हुआ होता है, लेफ्ट पार्ट होता है, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर बी इज फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर बाय द लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पर आपने क्वेश्चन का पता भी लगाना है और बेटा रिमाइंडर का पता भी लगाना है। आपने दोनों को निकालना है, किस किस को, क्वेश्चन को जो आंसर आता है और रिमाइंडर को जो लास्ट में नंबर बच जाता है। इज इट क्लियर? नाउ लुक एट द ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट, 42 डिवाइड बाय 5। सो वी विल राइट हियर, 42 इज द डिविडेंड, वी राइट इन बिटवीन, एंड 5 इज द डिवाइजर, 5 इज ऑलवेज रिटन एट द लेफ्ट हैंड साइड, ओके, एंड क्वेश्चन इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। सो इज 42 कम्स इन द टेबल ऑफ 5 बेटा, नो। सो विच नंबर वी विल टेक, विच इज लेस देन 42। ओके, हमें वो नंबर लेना है बेटा जो 42 से छोटा है और 5 के टेबल में आता है। सो कौन सा नंबर होता है वो, जो 42 से छोटा होता है और 5 के टेबल में आता है? यस, इट्स 40।
एंड वेयर इट कम्स बेटा एट द पोजिशन ऑफ 8. सो 5 8 इज 40. When we subtract it, 2 minus 0 is 2. So this 2 is the remainder and your question is, your answer is 8. Is it clear? Now we take the next example. Second is 19 divided by 2. Look at here, 19 is the dividend, 2 is the divisor. 19 is not come in the table of 2. So we will find that number which is less than 19. Less than 19, जो 19 से छोटा होगा. और 19 से छोटा कौन सा नंबर आता है बेटा 2 के टेबल में? 18. ओके, सो वी गो विथ 2 9s are 18. एंड व्हेन वी सबट्रैक्ट इट, 9 minus 8 is 1 एंड 1 minus 1 is 0. सो योर रिमाइंडर इज 1 एंड योर क्वेश्चन इज 9. द सेम इन द क्वेश्चन नंबर 3, 26 डिवाइड बाय 3. सो we will check, is 26 comes in the table of 3? No. So we will find that number which is less than 26 but comes in the table of 3. जो 26 से कम हो और 3 के टेबल में आता हो. So which number is it? 3 8s are 24. अगर हम 3 9s are लेंगे बेटा, 3 9s are क्या होगा? 27. लेकिन 27 तो 26 से बड़ा हो जाएगा, तो हम उसको नहीं ले सकते. वी गो विथ स्मॉलर नंबर विच इज लेस देन 26 एंड नियर अबाउट 26. लाइक इफ 3 7s are 21, 3 8s are 24, 21 भी कम है बेटा, लेकिन 21 से 26 के बीच में एक और नंबर आता है 3 के टेबल में जो 26 से छोटा है, तो हमने स्मॉलर और नियरर नंबर लेना होता है टेबल का. सो 3 8 इज 24. व्हेन वी सबट्रैक्ट इट वी विल गेट 2 हियर एंड 2 माइनस 2 इज 0. ओके, सो योर क्वेश्चन इज 8 एंड द रिमाइंडर इज 2. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. यू विल ट्राई टू डू दिस सम्स एंड कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर बी इन योर नोटबुक. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.